राम राम सर भैया ने, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज देख सकते हो जो कि बड़े दाद भाई का ने बुलवाया चन्माना से दाद भाई का ट्रैक्टर, जो कि मेसी, और उसको लेकर हम चल पड़े सीढ़ी लेकर, क्योंकि रात को पानी गिर गया था। तो हम तीनों भाई जा रहे खेत में, पर भर दिया हमने सीढ़ी पूरी फुल ऊपर तक, और फिर हम चल पड़े खेत में। और आ गए थे हम खेत में, और इसके बाद लगाते अपन अब बोनी, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, पानी कभी भी आ सकता है। चलते पहले आप कोने से वो क्या लाते हैं, उधर सबसे आखिरी वाले कोने से। तो पापा जी ने फोड़ा नारियल, जो कि जय माँ नर्मदा श्री गणेश कर कर धरती माता को चढ़ाया, और फिर चल्लू कर दिया ट्रैक्टर, जो कि चल दिया। और साथ में वीरेंद्र भैया पीछे पीछे चल दिए देखने के लिए कैसे क्या बुआ रहा है। उसके साथ ही साथ फिर चलते हैं अपन, जो कि इधर अपने को होना तुअर इतनी जगह में, क्योंकि अभी आधे खेत में अपन ने सोयन बोया, आधे में तुअर। और फिर उसके बाद मैं भी चल जा रहा हूँ घर पर, क्योंकि मेरे को जाना खाते हैं कटिंग बनाने के लिए। तो गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी, मेरे पास फ़ोन आ गया था घर के लिए, क्योंकि घर से चाय लाने के लिए, और गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही थी। तो मैं भी चल पड़ा घर के लिए, सोयाबीन भी लाना है, क्योंकि गाड़े में सोयाबीन ख़त्म हो गए थे। तो मैं भी अपने गाड़े बैल लेकर, दोनों शेर को लेकर चल पड़ा घर के लिए। और घर आते से ही मैंने भैया को गाड़े बैल लेकर छोड़ दिया, और मैं आ गया था खातेगांव स्टैंड पर, जो कि जगह टू पर कटिंग बनाने के लिए। फाइनल लुक देख सकते हो आपकी, क्योंकि मैं स्लॉप में थोड़ी कटिंग बनवाई है। कैसे लग रहा हूँ कमेंट बताना आप, उसके बाद चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी उसके बाद ड्रेसिंग कर लेता हूँ पहले मैं, ड्रेसिंग के बाद आपको ब्लॉग एंड करूँगा, क्योंकि बाबू भाई के पास आया था मैं अस्पताल में, क्योंकि मेरे पैर में लग गई थी बोनी बोते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। धन्यवाद दोस्तों।